तो दोस्तों ये रहा हमारे पास है रियलमी C51 मोबाइल। दोस्तों अगर आपके पास भी है सेम यही मोबाइल और दोस्तों उसमें आप चाहते हो कॉलर आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग को इनेबल करना। दोस्तों कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का मतलब ये होता है जैसे कि दोस्तों आपके मोबाइल पे A to Z कोई भी कॉल आएगी तो दोस्तों अगर नंबर नाम से सेव रहेगा तो नाम लेके बुलाएगा कि इस नाम से कॉल आ रही है, अगर नंबर सेव नहीं होगा तो नंबर बताएगा कि इस नंबर की कॉल आ रही है। तो दोस्तों इसे ही बोलते हैं कॉलर आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग। दोस्तों कॉलर आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको अपना डायलर ओपन करना। डायलर ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना, सेटिंग पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको सबसे नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, तो इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको रहेगा अनाउंस कॉलर आईडी, तो इस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है अभी नेवर पे टिक है तो आपको यहाँ पे ऑलवेज पे टिक करना है। इस पे टिक करने के बाद अब आपके मोबाइल पे A to Z कोई भी कॉल आएगी, नंबर सेव होगा तो नाम से बुलाएगा, अगर नंबर सेव नहीं होगा तो नंबर बताएगा कि इस नंबर की कॉल आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप रियलमी C51 मोबाइल में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग को इनेबल कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।